हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेथक होम, और मेथक होम लेके आ गया है डिटरमिनेंट्स लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, एक क्रेमर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेमर रूल लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में आपके लिए आया था और बहुत ईजी क्वेश्चन, और 6 मार्क्स फ्री के थे, मतलब फ्री के 6 मार्क्स थे, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके अलावा दो क्वेश्चन और रहते हैं, उन दो क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, आपको दे दूंगा, आप सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया कि हमें प्रूव क्या करना है वो पहले देखना। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, और a प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है। बट जो क्वेश्चन है उसमें क्यूब की फॉर्म दिखाई दे रही है, और हम ये डर जाएंगे कि क्यूब तो हमने देखा ही नहीं, क्यूब क्या होता है। तो क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले जो है, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो बनाया था डिटरमिनेंट्स का, फर्स्ट लेक्चर जिसमें फॉर्मूले बताए थे, उसमें बता दिया था। तो वो फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है, वो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन क्या पता आ जाए। तो देखते हैं ये। तो अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए, यही मुझे ध्यान अपना लगाना है। तो a माइनस बी कैसे ला सकता हूँ मैं, a माइनस बी कैसे लाऊँ, c1 में c2 को माइनस कर दो तो a माइनस बी मिल जाएगा, b माइनस सी कैसे लाऊँ मैं, c2 में c3 को माइनस कर दो तो b माइनस सी मिल जाएगा। तो थ्योरम अप्लाई करेंगे, c1 में c1 माइनस c2 और c2 में c2 माइनस c3। तो ये थ्योरम मैंने अप्लाई की। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे, C1 वन माइनस वन ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर C2 में वन माइनस वन बी माइनस सी, फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब वन सी सी क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यही वाला फॉर्मूला लगा दो। तो सिंप्लीफाई के जीरो जीरो ए वन ए माइनस बी बी माइनस सी, या क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या क्या हो जाएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं वन सी सी क्यूब। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है, C1 में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, दिखाई दिया, C2 में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, दिखाई दिया। तो ले लेते हैं कॉमन जो आपको दिखाई दिया है, C1 में A माइनस बी कॉमन है और C2 में से B माइनस सी कॉमन है। तो कॉमन लिया तो बचेगा A माइनस बी और यहाँ B माइनस सी, जीरो वन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर वन सी सी क्यूब। अब क्या दिख रहा है मुझे, मेरी थर्ड स्टेप आ चुकी है। थर्ड स्टेप क्या कहती है कि एक सिंगल वन आ गया तो उससे डिटरमिनेंट्स को ओपन कर दो। तो ओपन कर देते हैं यहाँ से हम इसको। तो यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे, ये गया ये गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो देखो क्या हो रहा है, ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ से ओपन किया तो ये माइनस ये, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सोल्व करें तो ए माइनस बी बी माइनस सी, क्या करना रहा यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करना रहा, और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस होता है तो मैंने बताया अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, चलो ए माइनस बी बी माइनस सी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला दिखाई देगा। हाँ,
यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, बी। तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। सोल्यूशन दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है इस पूरे में, यहाँ पे और यहाँ पे पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, सी माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन ले लो, सी माइनस ए ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी। क्या यही लाना था, क्या देखो यही लाना था, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव। तो मैथ्स में बार बार कह रहा हूँ बहुत आसान है, केवल प्रोसेस को फॉलो करना है, फर्स्ट लेक्चर से कह रहा हूँ प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स के, आपके डिप्लोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ट्वेल्थ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रूव करने का आता ही आता है। तो इसे पॉज कीजिए वीडियो को, ध्यान से देखिए और उतार लीजिए। अब मैं आगे आपको क्रेमर रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में आया था, तो आइए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। अगर क्रेमर रूल लिखा है तो क्रेमर रूल से करना है, अगर क्वेश्चन लिखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तो भी क्रेमर रूल से करना है, अगर क्वेश्चन स्पेशली लिखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड तो ही इन्वर्स मैट्रिक्स पे जाना है, क्योंकि क्रेमर बहुत ज़्यादा आसान है इन्वर्स मैट्रिक्स के कंपेरिजन में। तो आओ देखते हैं क्रेमर रूल में क्या होता है। क्रेमर रूल में तीन फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे, इसमें सबसे पहले x जो फाइंड होगा उसका फॉर्मूला होगा डेल x अपॉन डेल, y जो होगा डेल y अपॉन डेल, z का फॉर्मूला होगा डेल z अपॉन डेल। अब यहाँ पे डेल क्या है, डेल z क्या है, डेल y क्या है, डेल x क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सोल्व करके। सबसे पहले ये जो जैसे हम इन्वर्स मैट्रिक्स में एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं वैसे यहीं पर बनाएंगे इसके कोफिशियंट से, 1 2 3, 2 1 1 1 1 1, ये कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, जो अननोन है वो यहाँ लिख दो एक्स वाई जेड, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बी में लिख दो, -5 -7 0। क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना, सबसे पहले डेल, डेल कुछ नहीं है, डेल जो मैट्रिक्स में मैंने मोड ऑफ बताया था वो की वही वैल्यू है, और मोड ऑफ ए निकालना आप लोगों को आता है, अच्छे से आता है। तो ये किस तरह निकालते हैं, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो वन लिया, ये गया, ये गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू है, तो वन माइनस वन। फिर माइनस का टू लिया, तो ये गया, ये गया, टू माइनस वन, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ ये, टू माइनस वन। फिर थ्री लिया, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन। यहाँ तो क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो, यहाँ माइनस का टू इंटू वन, यहाँ थ्री इंटू वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू प्लस का थ्री मतलब वन। तो डेल जो आ जाएगा इसके लिए मेरा क्या आ जाएगा, वन। क्लियर। अब बात करते हैं डेल एक्स निकालने की, तो डेल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डेल एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसकी जो फर्स्ट कॉलम है, डिटर्मिनेंट्स की फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये माइनस का फाइव, माइनस का सेवन, जीरो, टू, वन, वन, थ्री, वन, वन, इससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। और इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालते हैं, ये क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहीं से सोल्व किया, तो ये क्या जाएगा, माइनस का फाइव, ये गया, ये गया, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, माइनस का टू, ये गया, ये गया, माइनस का सेवन माइनस जीरो, प्लस का थ्री, ये गया, ये गया, माइनस का सेवन प्लस माइनस का जीरो। हाँ अभी तक तो आप लोग ऐसे सीख गए होंगे, मैंने इन्वर्स मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में काफ़ी कराया है, तो आप उसको वहाँ जाके देख भी सकते हैं, तो इजी वे में हो जाएगा। तो देखो माइनस का फाइव, यहाँ क्या बच गया, जीरो, यहाँ माइनस का टू है, क्या बच गया, माइनस का सेवन, यहाँ प्लस का थ्री, क्या बच गया, माइनस का सेवन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का
14 या क्या हो जाएगा माइनस का 21, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो डेल एक्स क्या आ गया मेरे पास माइनस का 7, इसको यहाँ लिख लो डेल एक्स आ गया माइनस का 7। फिर आगे डेल वाई निकालते हैं, डेल वाई के लिए क्या करोगे याद करो, डेल वाई के लिए क्या करेंगे हम सी टू को रिप्लेस कर देंगे कॉन्स्टेंट से, सी वन को एज इट इज लिख दो 1 2 1 माइनस 5 माइनस 7 0 3 1 1। अब सोल्व करो, 1 से लिया ये क्या चलता है प्लस माइनस प्लस, ये गया माइनस का 7 माइनस का 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये गया 2 माइनस 1 प्लस का 3, ये लिया ये गया तो 0 प्लस का 7। एक ट्रिक मैंने बताई थी डेटा जब मैट्रिक्स करा रहा था कि इधर मल्टीप्लाई करते समय एक माइनस दिखता है तो हमें डायरेक्ट क्या लिख लेना है प्लस लिख लेना है, बाकी सारे केस में माइनस ही लिखना है, तो उनको देख लें काम आता है। 1 ये माइनस 7 बचेगा प्लस का 5 यहाँ से 1 बच जाएगा प्लस का 3 यहाँ से 7 बच जाएगा, माइनस 7 प्लस का 5 प्लस का 21, 21 और 25 कितना 5 कितना हो जाएगा 26 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, तो डेल वाई मेरे पास आ जाएगा 19। इसी तरह डेल जेड निकाल लो, डेल जेड क्या हो जाएगा मेरे पास सी थ्री में कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर दो तो 1 2 1 2 1 1 माइनस 5 माइनस 7 0, सोल्व करो प्लस माइनस प्लस, 1 लिया ये गया तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 7 माइनस का 2 लिया ये गया तो 0 प्लस का 7, फिर माइनस का 5 लिया ये गया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 7 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दो 14, ठीक है यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 1 इंटू 5 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 19, 19 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा माइनस के 12, तो डेल जेड आपके आ गया माइनस का 12, तो तीनों वैल्यू मेरे को मिल गई है माइनस 7 माइनस 12 और प्लस का 19। अब इनको क्या करता हूँ मैं x निकालने की कोशिश करता हूँ, तो x का फॉर्मूला क्या था डेल x अपॉन डेल y का ये निकाल लेते हैं, डेल x कितना है माइनस का 7 अपॉन 1, तो x कितना आ गया मेरे पास माइनस का 7, y आ जाएगा डेल y अपॉन डेल मतलब डेल y कितना था 19 अपॉन 1 मतलब y आ गया 19, जेड आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल मतलब माइनस का 12 अपॉन 1 मीन्स जेड इज इक्वल टू माइनस का 12। अब क्या करना है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसको चेक करना है कि मेरा जो आंसर आया है या आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर आ जाती है तो आंसर सही है, इजी इक्वेशन मुझे ये दिखाई दे रही है तो इजी इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या करोगे आप लोग यही पुट कर देता हूं मैं, एक्स की जगह कितना रखना है बताओ माइनस 7, वाई की जगह प्लस के 19 और जेड की जगह माइनस के 12, सोल्व करो ये क्या हो जाएगा 19 माइनस 19 मतलब कितना आ रहा है 0, तो एल एच एस के इक्वल आ गया मेरे पास आर एच एस के इक्वल, कहाँ रखी थी वैल्यू इस इक्वेशन में, तो मेरे आंसर जो है एक्स वाई जेड जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप कितना आसान क्वेश्चन है 6 नंबर लेके आ सकते थे, वीडियो पॉज करो उतारो इसको और अच्छे से देख लो और अच्छे से 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं आपके लिए डिटर्मिनेंट्स के जो लेक्चर की सीरीज है उसको ख़त्म कर रहा हूँ।